सलामतपुरा डेयरी च सत्संग होंदा है, सौदा साथ दा पैरोल ते आया होया। तो पंजाब चो खास करके मालवे चो बसा भर भर के जानी है, जिन्हां चो बहुत सारे सिख सरदार लोग जाने हैं। पग बन्ननी ते पग च सैर पसाउणा फर्क होंदा, उन्हां दे पगां च सैर पसाए आ ते साडे सिंघां दे सिर ते पगां बन्नियां होणा। जे सरसे वाला पग बन्न लग गया रोक लाँगे? नहीं ना रोक सकते, इस करके कोई चक्कर नहीं है। जी सद के बन जिदे दुमाला से जाऊंगे तो उत्ते चढ़का के दिखावे। एक पासे बेअदबी दे इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है, दूजे पासे लोग इस तरह के काम। शिकार कदे भेड़ बकरी नहीं कर सकती, उत्थे शेर ही होणगे, इत्थे तुहानू सूरमे मिलणगे। तो जे भेड़ा बकरियां वेखणगे तो उन्होंने जा उड़े दुकानों से हाईजैकर भी छड़ते, जो प्रधानमंत्री के कातल थे वह भी छड़ते। तो यह सिंह 30 साल तो अंदर जेड़े बंदे तो खतरा होंदा बंदी उन्होंने बनाया जाता जान मिथे समय नहीं लग गया भाई साहब। तो हुण सिंघां दी की तैयारी है, तो अगे सरकार की लगता झुकती नजर आओगे? सरकार की तैयारी है, सरकारी बंदा दसो सुन। तो आप सिंह होंगे ना तो यह कहने भी असं तो धार ला के लैके आए हैं, तो जो आने तो वेखा। सत श्री अकाल, डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो, मैं गगन शुक्ला। इस वेले मेरे नाल भाई अमृतपाल सिंह मैहरों मौजूद ने, गलबात कर लें। बाबा जी, पिछले जी एक दो दिन का जिक्र करा तो सलावतपुरा डेरे च सत्संग होंगे, सौदा साथ का पैरोल ते आया हुआ। तो पंजाब चो खास करके मालवे चो बसा भर भर के जानी है, जिन्हों चो बहुत सारे सिख सरदार लोग जाने हैं। तो की लगता है ये तस्वीर देख के पहला की चित आ? पग बननी तो पग च सैर पसाउणा फर्क होंगे, उन्होंने पगों च सैर पसाए आ ते साडे सिंघां दे सिर ते पगां बन्नियां वा, ठीक आ। इस चीज़ ना सानू दुख तो आउंदा वा, ते पर ये भेड़ गधे घोड़े का एक मुल ही आ सतसंग च बैठिया दा। उत्थे जे सरसे वाला पग बन्न लग गया रोक लाँगे? नहीं ना रोक सकते, इस करके कोई चक्कर नहीं है। वो जी सद के बन्न जिदे दुमाला सजाउणगे तो उत्ते चढ़का के दिखावांगे। लगता है साढ़े लोगों को समझ आनी नहीं चाहिए कि चल रहा है तो की हो रहा है। एक पासे बेअदबी इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है, दूजे पासे वो लोग इस तरह के काम कर। देखो वक्खो वक्खरी कैटागरी के लोग होंगे है ना, उन्होंने बंदे ने उन्होंने सुनना भाई, तो सूरमिया ने इत्थे आना, ठीक है। ये कदे भी शिकार कदे भेड़ बकरी नहीं कर सकती, उत्थे शेर ही होणगे, इत्थे तुहानू सूरमे मिलणगे। तो जे भेड़ा बकरियां वेखणगे तो उन्होंने जा उड़े दुकानों से। की लगता है हुण किस तरह का सरकार का अगला कदम रहने वाला, क्योंकि मोर्चा आने में इत्थे समय नहीं लग गया भाई साहब। तो हुण सिंघां दी की तैयारी है, तो अगे सरकार की लगता झुकती नज़र आओ कि नहीं? सरकार की तैयारी है, सरकारी बंदा दसो सुनो। तो आप सिंह होंदे ना तो यह कहने भी असं तो धार ला के लैके आए हैं, तो जो आने उदो वेखा। होर दस, क्योंकि संविधान के दो रूप किवें हो सकते हैं? एक पासे तो लगातार पैरोल ते पैरोल मिलती है, चाहे वह अपने लोग ही हुण जहाज़ के हाईजैकर वह भी छड़ते, जिहड़े प्रधानमंत्री के कातल ते वह भी छड़ते। तो यह सिंह 30 साल तो अंदर ने जिहड़े बंदे तो खतरा हुंदा बंदी उन्हों बनाया जाता, ठीक है। ये वेखो तुसीं सारे हिंदुस्तान नूं आ दसा बंदे तो खतरा, तो असी इस चीज़ का फकर महसूस करते हैं। ये साड़ी कौम के योधे आ, साड़ी कौम का सरमाया। सानू जरूरी नहीं हुंदा बंदे बाहर आ जाना, आ डर ही सानू बहुत आ, साड़ी जित आ। ये असी बंदी सिंघां दा जे असी उन्हां नूं बंदी करी बैठे आ, तो सानू इस खुशी प्राप्त हुंदी आ भी सारे मुल्क दे विच सिंघां नूं ही बंदी किया जाता, होर कौमां जिते मर्जी तुरे फिरन उहदा कोई लड़सिरा नहीं हैगा गा। तो ठीक है भाई, आपसी भाईचारा खराब करन दी भी कोशिश करदे, इक शक्की भी फड़िया गया कल। नहीं मैं नहीं वेख्या, उदों आपसी भाईचारा उन्हें की खराब किया की फड़िया की नहीं, जो जे कोई गलबात तुहाडे कोल आई है तो पुछ लो, आप जवाब दे दिंदे आ। ये कितने ना कितने जो लगता है, क्योंकि नौजवानी का किसानी संघर्ष भी भाई साहब बड़ा रोल है, तो इतने भी नौजवान पहुँच रहे हैं, लगता है कि रिजल्ट सो ही होंगे जो पहले एक साल पहले हुए। मैं फिर सुनू उत्थे गल आ गई भाई जी, वो कामरेडा का मसला सी, गल खेती की साड़ी होंद की सी, फसल की सी, नसल की सी, मनते हैं सिखा वह वो सिख मदद कर सकते आ। ये लड़ाई कली सिखा दी आ, किसानी बंदा जिमीदार कला जट ही नहीं हो सकता, मुसलमान भी खेती करता जिमीदार आ, हिंदू भी जिमीदार आ जिहड़ा खेती करता, वह लड़ाई सांझी सी। ये लड़ाई कली सिखा दी आ, ते जे सिख दूजे लई सैर दे सकते आ ते इह तां हुण अपने घर दी गल आ बई, आपां पिछे थोड़ी हटांगे। ते इत्थे तां सैर देण वाले बंदे आउणगे, ते जिन्हां ने खड़ना जिहड़े घरे कहे आ वी चलो ठीक आ वी हुण जे उह आउणगे तां ठीक आ, नहीं फिर मुड़ के
ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਠਾਹ ਠਾਹ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਅਤੇ ਪੱਗ 'ਚ ਸਿਰ ਫਸਾਉਣੇ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।